बिलासपुर में भाजपा के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वेस्ट बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह व कार्यकर्ताओं पर किए गए कातिलाना हमलों की निंदा की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घटना की कीमत ममता बनर्जी को बड़ी हार के रूप में चुकानी पड़ेगी। बिलासपुर में भाजपा के प्रत्याशी सांसद अनुराग ठाकुर ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वेस्ट बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह व कार्यकर्ताओं पर किए गए हमले की निंदा की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा को रोकने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घटना की कीमत ममता बनर्जी को बड़ी हार के रूप में चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा ठाकुर ने आज बिलासपुर में किए गए रोड शो के बारे में कहा कि भारी भीड़ को देखते हुए लगता है कि जनता ने पुनः एक बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। किसी को समझना पड़ेगा, जब वोट पड़ेंगे तो मोदी की कूड़ा करके खिलाफ मतदान करेंगे। लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है और हिंसा के विरोध सदा देश ने मतदान किया है और मोदी ने दिया है ममता की छुट्टी। अब हम लोगों ने मना लिया। सर आप रोड कर रहे हैं, आपको आप क्या कहेंगे? ट्रेन में हम लोग सबसे पहले युवा सारा वो फिर एक बार बनाने के लिए बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सब युवा एकजुट होकर कहेंगे भाई मोदी जी के लिए वोट करें, मजबूत मंत्री भाई कमल की वोट लगाएं। गौरतलब है कि सांसद अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में स्थित प्राचीन मंदिर से रोड शो का शुभारंभ किया। धीरे धीरे अनुराग ठाकुर के काफिले में जनता का हजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान भाजपा के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने दुकानदारों, ऑटो चालकों, सब्जी विक्रेताओं से पीएम मोदी के पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह किया।